सभी का स्वागत करती हूँ. वेलकम एवरीबॉडी प्रेजेंट ओवर हियर. एंड आज इस शाम में हमारे बीच आने वाली हैं ऐसी शख्सियत जिनको बोला जाते हैं मैन विद द गोल्डन वॉइस, द वॉइस दैट हैज रूल्ड इंडियन सिनेमा, इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री फॉर इयर्स एंड इयर्स एंड इयर्स. एक ऐसी आवाज जिसने दो दिलों को प्यार करना सिखाया, एक ऐसी आवाज जिसने ब्रेकअप में हमारे दिल को सहलाया, एक ऐसी आवाज जिसने हमारे अंदर देशभक्ति के भाव को जगाया. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे कमल की जो जब जब खिला है अपनी वॉइस के थ्रू. उसने बस चारों तरफ रंग तरंग और उमंग भर दी है. आई एम टॉकिंग अबाउट द लेजेंड जो आज हमारे बीच दिल्ली आए हैं, द गजल माइस्ट्रो पद्मश्री. पद्मश्री नहीं नहीं नहीं, ऐसा वेलकम नहीं चलेगा. क्या आप सुनना चाहते हैं द गोल्डन वॉइस को? सो एक साथ प्लीज वेलकम. सो थ्री चीयर्स फॉर द गोल्डन वॉइस. हिप 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 हिप. सो उनको हम बुलाएंगे, वो हमारे बीच आ चुके हैं. लेकिन उनको बुलाने से पहले विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द स्टेज द इवेंट कोऑर्डिनेटर एंड फॉर्मर सेक्रेटरी आईएपी मिस्टर दीपक गौतम जी. दीपक जी प्लीज हमारे बीच में आइए. प्लीज वेलकम वन एंड ऑल फॉर्मली थ्रू योर वॉइस वर्ड्स. द स्टेज इज ऑल योर्स सर. आइए दीपक जी से इस शाम के दीपक का आगाज करते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं गजल क्या है तो आप जानते हैं गजल एक ऐसी चीज है जो दिल में छुपी आह को लफ्जों के जरिए बयां कर दे. एंड हु बेटर देन द गजल माइस्ट्रो हिमसेल्फ पद्मश्री पंकज उदास जी. बस जोरदार तालियां हो जाए फॉर द लेजेंडरी आर्टिस्ट हिमसेल्फ. And sir, आपके लिए दो लव्स मैं जरूर बोलना चाहूंगी लेकिन तालियां बजती रहनी चाहिए. In fact, I would request one and all to give sir a standing ovation. Can you all stand in your respective places? अभी भी आवाज नहीं आई है. Sir, thank you so much. आपका तहे दिल से मैं स्वागत करना चाहूंगी. And sir, आपके लिए बोलना चाहूंगी कि आपके आने से महक उठी है ये महफिल. तालियां बजती रहनी चाहिए. आपके आने से महक उठी है ये महफिल. अब तक थी हमारी, अब आपकी हो चली है ये महफिल. जोरदार तालियां वंस अगेन फॉर पद्मश्री पंकज उदास जी. सर आप कुछ बोलना चाहेंगे दो लव्स? दोस्तों, भाइयों, बहनों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार. एक हफ्ते में ये दूसरी बार मेरा दिल्ली आना हुआ. मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत मशहूर कथा है जिसकी चार लाइनें कहना चाहूँगा कि मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल से दिल मिलता है. मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल से दिल मिलता है, लेकिन मुश्किल ये है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है. तो मेरा तजुर्बा यह है कि दिल्ली में दिल मिलता है और दिल्ली में दिल वाले मिलते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर, थैंक यू. आई होप आपको भी आज उतना ही मजा आएगा. लेकिन दिल्ली वालों, ये हम ऐसे तो स्वागत नहीं करते हमारे मेहमानों. एक बार जोरदार तालियां हो जाए दिल से दिल्ली वाला स्वागत. कम ऑन, ओवर टू यू सर. थैंक यू सो मच वंस अगेन. आप सभी का दिल से स्वागत है. सो दिल्ली जैसा रंग है तेरा.